हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। आप लोगों को आज ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, सबसे पहले ये जाने। देखिए बेटा, मैंने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है गेट गारंटी। गेट गारंटी से मैं आप लोगों को गेट तक तो ले जाऊंगा, माने हम आपको डेफिनेटली ले जाएंगे गेट 60+। जो लोग अभी कैटेगरी सी स्टूडेंट्स हैं, मैंने कैटेगरीज को अपने पिछले वीडियोज में डिफाइन किया है। हमारा टारगेट रहेगा कि हर स्टूडेंट से 80+ एंड देन एन ऑल इंडिया रैंक हम प्रोड्यूस करें। जब हम इतना टारगेट लेके चलेंगे तो हम आपको कहीं ना कहीं 60 से 80 के बीच में पहुंचा देंगे। अब मुद्दा यह आता है कि आपको 60 से 80 से तो हमने पहुंचा दिया गेट गारंटी के थ्रू। जो लोग गेट गारंटी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, वो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप मान लेते हैं इतना स्कोर ले आए, तो उस स्कोर का आपको करना क्या है, उस स्कोर के साथ आपको जाना कहाँ है, क्या आपकी डायरेक्शन रहेगी। तो आज का हमारा ये वीडियो डेडिकेटेड है, हाईली डेडिकेटेड है, व्हाट आफ्टर गेट, गेट के बाद आपको क्या करना है। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि गेट के बाद आप कौन सी हायर स्टडीज पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम पीएसयूज को या दूसरी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे। पीएसयूज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो दूंगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी होगा कि क्यों आपको पीएसयूज की जगह हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, और क्यों कई जगह पे बहुत से केसेस में हायर स्टडीज ज्यादा बेटर साबित होती हैं इन कंपैरिजन टू पीएसयूज। आइए देखते हैं। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैंने पिछले 7 साल से ज्यादा स्टूडेंट्स को पूरे इंडिया में ट्रेन किया है, और आप ही के जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उन एस्पिरेंट्स के साथ डील किया है। मैंने हर वो इंस्टीट्यूट में जहां आप तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है बेटा। सो आई गेस आई एम एलिजिबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप गेट के बाद क्या करना चाहते हैं या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए बात करते हैं। और अगर आप मेरे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज गूगल करिए सिविल इंजीनियरिंग बाय अंकुर मलिक। आपको सारे पैरामीटर, सारी मेरी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। गूगल मेरी प्रेजेंस आपको बताएगा। आप गूगल करेंगे सिविल इंजीनियरिंग बाय अंकुर मलिक। सो लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक टुडे। हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है व्हाट आफ्टर गेट, और आज हम डिस्कस करेंगे ओनली द हायर स्टडीज। द ओनली पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर टूडे इज द ओनली पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर टूडे इज हायर स्टडीज। तो आपको आज हायर स्टडीज का एकदम क्लैरिटी मैं दे दूंगा इस वीडियो के बाद कि क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए गेट का स्कोर कार्ड आने के बाद। देखिए बेटा, ऐसा कितनी बार हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट लेने के बाद भी या डबल डिजिट लेने के बाद भी आप उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए था या जहां आप चाहते थे पहुंचना। कोई आपका मनपसंद पीएसयू हो, कोई आपका मनपसंद इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आईएससी हो, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो एनआईटीज हो, डिपेंडिंग ऑन योर रैंक, अगर आपको वहां पहुंचना है तो आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए और एक सही तरीका पता होना चाहिए। वो सही अप्रोच आपका इस वीडियो से मैं थोड़ा सा डेवलप करने की कोशिश करूंगा। चूंकि आप सब बिगिनर्स हैं और जो लोग एक्सपर्ट्स भी हैं उनको इस वीडियो के बाद क्लैरिटी मिलेगा कि हायर स्टडीज में आप कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, और अपना एक्सपीरियंस मैं आपको डालूंगा इस वीडियो में ताकि आपको समझ आए कि कैसे प्रोसीड करना होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको बताऊं कि इस पूरा वीडियो में आप देखेंगे कि कैसा मैं आपको पॉइंट वाइज और मार्क्स वाइज, सपोज आपका स्कोर है 700+ तो आप क्या करेंगे, आपका स्कोर है 400-700 तो आप क्या करेंगे, कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, कहाँ आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना स्कोर कार्ड के भी आप कैसे इंडिया के सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स में पहुंच सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो सब्र रखिएगा अंत तक और इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज का क्लैरिटी देना चाहता हूं। एक छोटा सा मैं अपना स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। इट वॉज द टाइम जब मैं, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, आई वेंट फॉर द इंटरव्यूज फॉर पीएचडी एट आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली में मैं गया और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट है। तो मैं जो पीएचडी करना चाहता था वो मैं करना चाहता था कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। दिस वॉज माई स्पेशलाइजेशन और अभी भी है, इसमें मैं पीएचडी करना चाह रहा था आईआईटी दिल्ली से।
अगर आप देखेंगे तो पूरा इंडिया एक किताब पढ़ता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, पियर्सन पब्लिकेशन की आती है, डॉक्टर एन के झा, डॉक्टर नीरज कुमार झा। हम लोगों ने भी उस किताब को रेफर किया है, हमने भी उस किताब को पढ़ा है। और आईआईटी दिल्ली में जब हम जाते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं वहां पहुंचता हूं, होता यह है कि मेरे सामने पैनल बैठा होता है, पूरे पैनल को मुझे फेस करना है। पैनल स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, पैनल ने मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, पैनल के उन क्वेश्चंस का आंसर मैंने देना शुरू किया। एक आदमी है जो मुझसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे थोड़ा सा डिबेट या आर्ग्यूमेंट के मोड में आ जाता है, मैं देख रहा हूं वो आदमी मेरे हर क्वेश्चन के जवाब को, जो मैं बहुत अच्छे से दे रहा था, काट रहा है और गलत साबित कर रहा है। हालांकि वो कुछ गलत था, लेकिन सही होने के बावजूद भी गलत साबित कर सकता है वो इंसान जिसको उस सब्जेक्ट का मास्टरी हो। अब मुझसे उस इंसान ने पूछा कि आप कौन सी किताब से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ते हो। मैंने बहुत प्राउडली बताया कि डॉक्टर एन के झा को मैं फॉलो करता हूं। उस इंसान ने पूछा, क्या आप एन के झा को जानते हैं? मैंने उन्हें कहा नहीं। बाद में सारे पैनल ने अपने एक दूसरे फैकल्टीज की तरफ देखा एंड दे स्टार्टेड स्माइलिंग। उस स्माइल से मुझे एक बात का अंदाजा हुआ कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता हूं। और मैंने उस इंटरव्यू में ही सबसे सबके सामने पूछा कि सर, कैन आई नो द रीजन बिहाइंड योर ब्यूटीफुल स्माइल्स? एंड द आंसर वॉज, आई एम डॉक्टर एन के झा, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर एन के झा। एंड आई वॉज शॉक्ड कंप्लीटली। तो देखिए बेटा, यहां से एक चीज हमें टेक अवे करना है कि आप नहीं जानते हैं कि सामने इंटरव्यूज में कौन आदमी बैठा है और कौन इंटरव्यूज ले रहा है, लेकिन इंटरव्यू का खूबसूरती इतना है कि एक 200 से ऊपर वाले रैंक आदमी को वो पीएसयू या अच्छा कॉलेज दिला सकता है, और एक सिंगल डिजिट रैंक वाले आदमी को बाहर भेज सकता है, क्योंकि इंटरव्यूज का भी अपना कट ऑफ होता है और उस इंटरव्यू के कट ऑफ को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। उस इंटरव्यू के कट ऑफ को क्वालिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए कि इंटरव्यूज आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस स्कोर कार्ड के साथ आप कौन सी हायर स्टडीज कर सकते हैं। आइए बेटा देखिए, हायर स्टडीज में आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले डिग्रीज के नाम जान लीजिए। आप एमटेक को आप सब लोग जानते हैं, एमटेक को आप सब लोग जानते हैं, एमटेक इज मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी। क्या होता है बेटा? मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी। फिर आप जानते हैं किसको? देन यू नो मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, एमई जिसको बोला जाता है। देन यू नो मास्टर्स इन साइंसेस, जिसको हम बोलते हैं एमएस, जिसको हम बोलते हैं एमएस। उसके बाद आप ड्यूअल डिग्री कर सकते हैं। इन डिग्रीज पे आने से पहले मैं आपको ये क्लियर थोड़ा सा करना चाहता हूं कि एमटेक, एमई और एमएस में क्या डिफरेंस है। देखिए बेटा, एमटेक इज मोर ऑफ द स्किल बेस्ड डिग्री, ये स्किल बेस्ड डिग्री है। यहां सारा का सारा टारगेट जो प्रोफेसर का रहेगा या जो करिकुलम का रहेगा, पाठ्यक्रम जो आपका होता है, उसका एक ही मकसद है कि वो आपके अंदर की स्किल को डेवलप कर पाए, आपके अंदर की स्किल्स को वो बना पाए। सो बेसिकली एमटेक इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स स्किल्स एंड एमई इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज। एमई किसकी तरफ ओरिएंटेड है बेटा? नॉलेज की तरफ ओरिएंटेड है। तो एमई का काम क्या है? नॉलेज डेवलप करना, माने हर कॉन्सेप्ट को डीपली आपको समझाना, डीप नॉलेज देना। और एमटेक का क्या पर्पस है? आपकी स्किल्स को जनरेट करके आपको एम्प्लॉयबल बनाना, आपको एम्प्लॉयबल बनाना। एमएस क्या होता है? मास्टर इन साइंसेस। एमएस इज मोर ऑफ द रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री, ये रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है। माने कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा दोनों में क्लैरिटी दूं, तो जब आप मास्टर्स इन साइंसेस करते हैं, एमएस करते हैं, तो आप एक आरए रहते हैं, रिसर्च असिस्टेंट रहते हैं। लेकिन जब आप एमटेक या एमई करते हैं तो आप टीए रहते हैं, जिसका मतलब है टीचिंग असिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो दो आई गेस आपको तीनों में क्लैरिटी हुआ होगा कि क्या तीनों में मेजर डिफरेंस है। ड्यूअल डिग्री की जब मैं बात करता हूं तो मास्टर्स प्लस पीएचडी की मैं बात करता हूं। देखिए बेटा, आपको शायद नहीं पता होगा कि आफ्टर बीटेक यू कैन डायरेक्टली एनरोल इनटू इंटीग्रेटेड पीएचडी। इसको इंटीग्रेटेड पीएचडी भी बोला जाता है। ये आपको देखिए, अगर आप जनरल ड्यूरेशन बात करते हैं तो 3 साल पीएचडी का और 2 साल आपका मास्टर्स का, लेकिन मास्टर्स के बाद आपको फिर से फाइट करना पड़ता है अच्छे कॉलेज में पीएचडी में जाने के लिए, और गेट स्कोर कार्ड आपका 3 साल बाद एक्सपायर मान लेते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी किसी जगह पे मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा है, अगर आपका कॉलेज बेहतरीन है तो। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी आप जा सकते हैं जिसमें एमटेक प्लस पीएचडी आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है बेटा, इफ द कॉलेज इज गुड। फिर आपके आते हैं डायरेक्ट पीएचडी। सारे इंस्टीट्यूट्स ने, सारी अच्छी आईआईटीज और पुरानी आईआईटीज या नई आईआईटीज या फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री हैव स्टार्टेड गिविंग एडमिशंस इनटू डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स। तो बीटेक के बाद यू कैन डायरेक्टली जंप इनटू द पीएचडी, और पीएचडी का जो स्टाइपेंड होता है बेटा वो बहुत अपर साइड पे होता है, बहुत हैवी स्टाइपेंड होता है डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट। अब पीएचडी में आपको एक बात ध्यान रखना है कि पीएचडी इज मोर ऑफ द रिसर्च बेस्ड डिग्री एंड इट इज मोर, इसका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा। कैसे इंटरव्यूज को निकालना है आईआईटीज के, उस पर मैं एक स्पेशल अलग वीडियो दूंगा। अभी के लिए बस आप इतना जाने कि फिर आपको मिलेगी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जिसके बारे में हम बात करेंगे, और फिर मिलेंगे मैनेजमेंट कोर्सेज, जैसे कि आप कुछ इंस्टीट्यूट जानते हैं, निटी के बारे में आपने सुना होगा, निटी मुंबई, उसके अलावा आपने सुना होगा निकमार भी एक इंस्टीट्यूट आता है सिविल इंजीनियर्स के लिए, और ऐसे करके बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्या करते हैं बेटा, आपको मैनेजमेंट कोर्सेज सिखाते हैं आपकी इंजीनियरिंग ब्रांचेस से संबंधित। तो आई गेस हायर स्टडीज में आपको क्या करना है इस पे आपको क्लैरिटी मिला होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपको डाउट है या कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज आप जानना चाहते हैं। और बाकी कोई भी नॉलेज के लिए यू कैन पुट अ व्हाट्सएप टू मी ऑन दिस नंबर, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आईआईटीज के अंदर घुसना है। तो चलिए बेटा आगे बात करते हैं। वेरियस डिसिप्लिन्स, आपको ये जानना होगा कि आप हायर स्टडीज किस किस डिसिप्लिन में कर सकते हैं। डिसिप्लिन मतलब ब्रांचेस, जैसे बीटेक का ब्रांचेस होता है कंप्यूटर साइंस, सिविल, आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईआई, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो आ जाता है, जो वो ब्रांचेस हैं, वैसा ही हमारा सिविल इंजीनियरिंग के कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। बिकॉज जो मास्टर्स होती है बेटा ये स्पेशलाइजेशन में होती है, जो मास्टर्स डिग्री है इट इज इन द स्पेशलाइजेशन, और ये स्पेशलाइजेशन जो है बेटा ये सबसे प्रायोरिटाइज जिसको किया गया है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को किया गया है, इसी प्रायोरिटी में ये डिग्रीज हैं बेटा, इसी प्रायोरिटी में। दूसरा आपको मिलेगा जियोटेक, तीसरा आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा मिलेगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। देखिए बेटा सीटीएम, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एक टाइम था जब यहां होता था नीचे, सबसे नीचे, और इंडिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट था आईआईटी चेन्नई जो इसको कराता था। बट ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड द मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हमें चाहिए, इसकी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से अब आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, सब लोग इसमें पीएचडी और मास्टर्स करा रहे हैं। तो इट इज राइजिंग अप एंड दिस इज माय स्पेशलाइजेशन, जो मेरा मास्टर्स जिसमें है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फिर आ जाएगा, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आ जाएगा, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, बेटा इसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट का नाम दे रहा हूं, आईआईआरएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसे आईआईटीज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आता है, ठीक है बेटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। देहरादून में भी हमारा एक इंस्टीट्यूट है आईआईआरएस, जो हमेशा जिसकी वैकेंसीज खाली रहती हैं, हमेशा जिसकी मास्टर्स और पीएचडी डिग्री का कोर्स खाली रहता है, स्टूडेंट्स वहां नहीं पहुंचते हैं। चलिए आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये सारे पैरामीटर्स काम करते हैं। देखिएगा अर्थक्वेक इंजीनियरिंग आएगा बेटा, अर्थक्वेक मैंने बताया है कि अर्थक्वेक जामिया का बहुत अच्छा है जो लोग दिल्ली एनसीआर से आते हैं, उसके अलावा जो आईआईटीज और जो बड़े कॉलेजेस हैं सब में है, मैं आपको वो ब्रांच वाइज भी वीडियो बना के दे दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे, और बाकी डिटेल्स के लिए आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं इतना इलेबोरेटिव नहीं बना सकता, बाकी लोग परेशान हो जाएंगे नहीं तो। और मरीन स्ट्रक्चर्स बेटा, मरीन का स्पेशल लैब है, मरीन इंजीनियरिंग का स्पेशल लैब है आपकी फेवरेट स्टेट गोवा में, उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। चलिए इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज कौन होते हैं, जो आपकी कोर ब्रांच नहीं है, जो आपकी कोर ब्रांच नहीं है लेकिन आपकी ब्रांच से रिलेटेड है। इंटरडिसिप्लिनरी कौन होगा, जो कोर आपकी ब्रांच का नहीं है लेकिन आपकी ब्रांच से रिलेटेड है। कैसे, जैसे कि स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स सी आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, साथ में एक डिग्री इस पे दिया जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद एनर्जी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इनको डिटेल में पढ़ें, और इन कोर्सेज के बारे में अगर कोई भी नॉलेज आप चाहते हैं, कोई भी नॉलेज आप इन कोर्सेज के बारे में चाहते हैं, तो प्लीज पुट अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, आई विल मेक ऑल द डाउट्स क्लियर।
किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो चले बेटा आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कि कितने गेट स्कोर पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कि ऑन व्हाट गेट स्कोर यू कैन गेट विच कॉलेज। ठीक है, विद गेट स्कोर कार्ड मैं आपको कॉलेजेस दे रहा हूं। देखिएगा, पहली बात आपको ये चीज क्लैरिटी होना चाहिए कि गेट स्कोर क्या है। गेट स्कोर इज नॉट गेट मार्क्स, गेट मार्क्स आर डिफरेंट एंड गेट स्कोर इज डिफरेंट। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो एक रिलेशनशिप मैं दे रहा हूं, ग्राफ में हर चीज ग्राफ से समझाता हूं, जो बच्चे मेरी क्लास लगाते हैं वो जानते हैं। मेरी क्लास का टाइमिंग 9 to 10:30 रहता है यूट्यूब पे और 3 बजे रहता है प्लेटफॉर्म पे। इसी वीडियो के बायो में आपको मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है, चलिए सुनते हैं। अगर मेरा मार्क्स आता है एक्स एक्सिस पे और मेरा स्कोर आता है वाई एक्सिस पे, तो मेरा स्कोर चलता है 0 से 1000 तक और मेरा मार्क्स जाता है 0 से 100 तक। तो बस ये एक लीनियर रिलेशनशिप है इनके बीच में। ये डिपेंड करता है किस चीज पे बेटा, कि आपके टॉपर के मार्क्स कितने हैं। सपोज आपके टॉपर के मार्क्स आपकी ब्रांच में 1000 है, तो उसके कोरेस्पोंडिंग आपका मार्क्स बनेगा, उसके कोरेस्पोंडिंग आपके मार्क्स बनेंगे। और ये स्कोर होता है मार्क्स जिसको बोलते हैं। देखिए, स्कोर हुआ डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस मार्क्स आर इनडिपेंडेंट। जितना भी आप स्कोर करते हैं, जितना भी आप अटेम्प्ट करके आते हैं पेपर, उस पे ये डिपेंडेंट रहेगा कि कितना आप स्कोर किया, मान ले क्या आपका मार्क्स आया। तो मार्क्स और स्कोर में आपको क्लैरिटी हुआ होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। कॉलेजेस का जो सिलेक्शन होता है वो मार्क्स के बेसिस पे नहीं होता है। आप बोलेंगे सर मेरा 35 मार्क्स आया, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को नहीं जानता हूं अभी। लेकिन अगर आप बोलेंगे मेरा स्कोर आया 750, तो मैं बता सकता हूं आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा क्योंकि वहां मैं जानता हूं दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में भी। ठीक है, आई गेस आपको क्लैरिटी हुआ होगा कि कौन सा चीज काम आएगा जब मैं कॉलेज सिलेक्शन की बात करूंगा। गेट स्कोर मेरा रहेगा अगर ग्रेटर देन 700 है। इफ द गेट स्कोर इज ग्रेटर देन 700, दीज आर द प्रायोरिटीज। ये प्रायोरिटीज हैं बेटा, ये रैंकिंग रहता है मोस्टली इन आईआईटीज का, ऊपर नीचे होता रहता है। आईआईटी गुवाहाटी वैसे नहीं आना चाहिए बट सिविल इंजीनियरिंग में आएगा, सिविल इंजीनियरिंग में आएगा। ठीक है बेटा, अब सुनेंगे। इफ योर गेट स्कोर कार्ड इज ग्रेटर देन 700, आप इनमें से किसी में भी जा सकते हैं। इन सबसे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, सबसे आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है, मतलब ब्रांच मतलब स्पेशलाइजेशन चूज करनी है। स्ट्रक्चर जाना है, जियोटेक जाना है, जो भी आपको हैपनिंग लग रहा है उन स्पेशलाइजेशन से, स्क्रीनशॉट आपके पास है देख सकते हैं। उसमें से आप किसी एक में चले जाएंगे, किसी एक में आप चले जाएंगे, आपको ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यूज में कैसे आप रॉक कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, वो मैं लास्ट स्लाइड पे बताऊंगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि आईएससी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, कानपुर, रुड़की एंड गुवाहाटी, ये आपका सिक्वेंसिंग रहेगा अगर आपका स्कोर 700 से ज्यादा है। अरे सर इतना आएगा तो हम बहुत ऑप्शन होंगे, नहीं, स्कोर कम में ज्यादा ऑप्शन है, आपको दिखाया जाएगा। इफ द स्कोर इज लेस यू हैव मोर ऑप्शन। देखिएगा बेटा, अगर आपका गेट स्कोर आता है 550 से 700 के बीच में, अगर आपका गेट स्कोर आता है 550 से 700 के बीच में, तो आपको मिलेगा आईआईटी हैदराबाद, एनआईटी त्रिची। देखिए, कुछ ब्रांचेस के लिए पुरानी एनआईटीज बहुत बेटर हैं एज कंपेयर टू न्यू आईआईटीज, तो उसी हिसाब से मैंने आपको पूरा सिक्वेंसिंग दिया है। आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बीएचयू में कौन है, पाठक सर है। अगर आप में से कोई भी स्ट्रक्चर में जाना चाहता है तो प्लीज आप मुझे इस नंबर पे डाल दें, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है, आई कैन हेल्प यू आउट इन द इंटरव्यूज। किसी भी आईआईटी में अगर आप घुसना चाहते हैं, आई हैव कॉन्टेक्ट इन ऑल द आईआईटीज, प्लीज पुट अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, आई विल हेल्प इन माई फुल कैपेसिटी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। आईआईटी भुवनेश्वर मिलेगा, आईआईटी गांधीनगर, गांधीनगर में भी है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। एनआईटी वारंगल, एनआईटी सरतकल, राउरकेला, एनआईटी कैलिकट, अलाहाबाद, जोधपुर, आईआईटी जोधपुर इज एमबीएम जोधपुर, एमबीएम जोधपुर कॉलेज में ही क्लासेस लग रही हैं, तो परेशान नहीं। जो राजस्थान के लोग हैं जो आईआईटी जोधपुर पहुंचना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। है सर कैसी बातें करते हैं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए आईआईटी इंदौर, ठीक है, आईआईटी इंदौर इज अगेन वेरी इजी टू रीच इफ यू हैव दिस गेट स्कोर कार्ड।
आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी हैज ब्यूटीफुल कैंपस इन द हिमालयन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमालय के अंदर बहुत अच्छा कैंपस है इसका। बिट्स पिलानी, बेटा दो दिस कॉलेज इज रैंक्ड हेयर बट द प्लेसमेंट्स ऑफ दिस कॉलेज इज बेटर देन ऑल दीज कॉलेजेस। तो ऐसा कतई नहीं है कि अगर आपको एक नीचे का कॉलेज मिल रहा है तो आप ऊपर के कॉलेजेस की को आप मतलब आप उनसे नीचे हो गए हैं। नहीं, इन सारे कॉलेजेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। बेट्स पिलानी आप सब जानते हैं कितना बेहतरीन कॉलेज है। चलिए बात करेंगे, मुझे ज्यादा अफेक्शन इसीलिए है कि बिकॉज आई हैव बीन इनटू पिलानी फॉर सो मेनी इयर्स। चलिए बात करते हैं, अगर आपका गेट स्कोर आता है 450 एंड 550, अगर आपका गेट स्कोर आता है 450 एंड 550 के बीच में, तो आपको ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? ट्रिपल आईटीज मिल जाएंगी, डीटीयू, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो पहले था डीसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, वीएनआईटी नागपुर, एनआईटी भोपाल, मौलाना आजाद एनआईटी भोपाल वाला मिल जाएगा, एनआईटी जयपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल जाएगा जो लोग नॉर्थ से हैं, सिलचर मिल जाएगा, धनबाद आईएसएम धनबाद बहुत अच्छा कॉलेज है मिल जाएगा, जेएनयू दिल्ली, डीयू साउथ कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपसेस मिल जाएंगे, ट्रिपल एम इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा, और पंत नगर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो लोग उत्तराखंड से आते हैं उसको जानते होंगे। यहाँ के बच्चों को जब हम गेट पढ़ाते हैं दे आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए अब बात करते हैं उसकी जो सबसे ज्यादा प्रोन है, जो सबसे ज्यादा प्रोन है मतलब जो सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ इस स्कोर कार्ड में फंस जाते हैं। इस स्कोर कार्ड को लेने के बावजूद आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं प्रोवाइडेड आप तरीके से प्रोसीड करते हैं। देखिए कौन कौन से, एनआईटी जालंधर, दुर्गापुर, पटना, हमीरपुर, हिमाचल वाले लोग सुन ले, हिमाचल का भी पहला कॉलेज आया है ये, जमशेदपुर, और सारी एनआईटीज इस स्कोर में आपको सारी एनआईटीज मिल सकती हैं, उन पुरानी एनआईटीज को छोड़ के वो भी मिल जाएंगी, पर ब्रांच स्पेशलाइजेशन शायद आपको स्ट्रक्चर्स ना मिले, कोई और स्पेशलाइजेशन WRE टाइप मिल जाएगा। वीआईटी वेल्लोर कैंपस, और ये धीरू भाई अहमदाबाद में है बेटा, अच्छा कॉलेज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छा है। बीआईटी मिश्रा बहुत अच्छा कॉलेज है, आप जानते हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी, थापर पटियाला, मणिपाल, डिफेंस इंस्टीट्यूट पुणे, वीजीआईटी मुंबई, ये सारे कॉलेज है, पैक चंडीगढ़ बहुत अच्छा कॉलेज है, नॉर्थ वाले लोग जान ले, कर सकते हैं मास्टर्स, अच्छे गाइड मिलेंगे। एएमयू अलीगढ़ आप जानते हैं कितना अच्छा है, त्रिवेंद्रम का सीईटी बहुत अच्छा है, जामिया इस्लामिया अनदर वंडरफुल कॉलेज, उस्मानिया हैदराबाद, ये सारे कॉलेजेस आपको इस स्कोर कार्ड पे मिल रहे हैं, इस स्कोर कार्ड पे मिल रहे हैं। तो एमएचआरडी से बात करिएगा कि गेट स्कोर कार्ड है, एमएचआरडी से बात क्यों करेंगे, आप जानते हैं ना बेटा। चलिए बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कमाल की चीज की, कि अगर आप जस्ट क्वालिफाई करते हैं या आपके पास कोई गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे। जो स्टूडेंट्स गेट गारंटी ज्वाइन कर चुके हैं, गेट गारंटी बाय अंकुर मलिक, उनकी तो मैं स्कोर कार्ड की गारंटी लेता हूं और उन्हें अच्छी जगह पहुंचाने की मैं गारंटी लेता हूं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें मैं बोलता हूं अभी भी मौका है पहली अटेम्प्ट में गेट में ऑल इंडिया रैंक पाने का, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। सुनेंगे बाकी लोग, अकेडमी सीएसआईआर, दिस अक्स सीएसआईआर, ए सीएसआईआर का मतलब है अकेडमी सीएसआईआर, ध्यान से सुनेंगे। हमारे देश में सीएसआईआर वो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अथॉरिटी है जो सारा रिसर्च वर्क कैरी आउट करती है, और आपको जान के खुशी होगी कि भारत सरकार, मोदी सरकार हर समय इतना ज्यादा पैसा रिसर्च के लिए देती है, वो सारा पैसा इन लैब्स में जाता है, इन लैब्स में जो रिसर्च कैरी आउट होता है वो कुछ साइंटिस्ट लोग करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग अकेले नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपने रिसर्च असिस्टेंट चाहिए होते हैं, उसके अलावा जेआरएफ चाहिए होते हैं और एसआरएफ चाहिए होते हैं। अब अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, यहां घुसा देंगे, आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। अगर गेट स्कोर कार्ड नहीं है तो आपको लगता है बेटा रेफरेंस लेटर ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग द ओल्ड आईआईटीज एंड वंडरफुल आईआईटीज, जहां लोग पहुंच नहीं पाते हैं वहां भी आप जा सकते हैं। किस तरीके से आप जा सकते हैं बेटा? रेफरेंस लेटर के थ्रू। ये रेफरेंस लेटर कौन देता है? ये रेफरेंस लेटर एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो जुगाड़ है। जुगाड़ का मतलब माने कि आपको एक ऐसी चीज मिलेगी
कि आपको एक आदमी एंश्योर करेगा कि ये मेरा जो स्टूडेंट है ये आपके अंडर, माने उस साइंटिस्ट के अंडर जो आपको ले रहा है मास्टर्स और हायर स्टडीज के लिए, वो काम करेगा जो आप कहेंगे और उतनी कैपेसिटी में करेगा जितना आप करवाना चाहेंगे, मतलब आपको धोखा नहीं देगा। ऐसा अश्योरेंस जब कोई आदमी बनाता है, वो अश्योरेंस निकलता है जान पहचान से, जुगाड़ से। कैसे है बेटा, आई कैन नॉट टेल इट मोर हेयर, तो आप सारा इस पे कॉन्टेक्ट करेंगे तो आई विल डिस्क्लोज इट टू यू, एंड द रेफरेंस लेटर विल बी प्रोवाइडेड बाय द एस्टीम्ड प्रोफेसर्स ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स। उसका भी तरीका है, आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट पुटिंग एन ईमेल, जिस भी प्रोफेसर के अंडर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, स्टार्ट पुटिंग एन ईमेल इमीडिएटली कि डियर रिस्पेक्टेड सर, मैं ये हूं और मेरा ये गेट स्कोर कार्ड है, आई वॉन्ट टू परस्यू माई मास्टर्स और हायर स्टडीज अंडर योर एस्टीम्ड गाइडेंस। वहां से रिप्लाई नहीं आएगा, वहां से रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन आप कौन है, आप जिद्दी हैं, आप में जिद है कि मुझे IIT पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से मेल डालेंगे। जब 20-22 मेल हो जाएगा, उस आदमी को दिखेगा इंटेंशन ना नेक इंटेंशन है, पाक साफ इंटेंशन है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। और बेटा अगर एक बार रिप्लाई आया तो मान के चलो ये आपका मजेदार काम हो गया। और ये काम जिस दिन हो गया, उस दिन आप IIT के अंदर, वो IIT जिसके अंदर जाने का आप ख्वाब देखते हैं, वहां एक आदमी को आप जानते हैं, और वो आदमी कौन है, वो प्रोफेसर है जिसको आपको हायर स्टडी कराना है। तो आप जब इंटरव्यूज में बैठेंगे, यहां भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इट वॉज द इंटरव्यू ऑफ IIT बॉम्बे फॉर माई मास्टर्स। मैं वहां जाता हूँ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए, मैं प्रोफेसर का नाम नहीं लूंगा, वहां पे उस समय तीन ही प्रोफेसर थे, अभी मैं नहीं जानता हूँ कितने लोग हैं, उस समय तीन ही प्रोफेसर थे, डॉक्टर प्रकाश झा, नाम नहीं लेना चाहिए, एनीवेज लीव इट, डॉक्टर वेंकटा एस डेली एंड अदर प्रोफेसर, डॉक्टर सलमान एज वेल, ऑल ऑफ देम आर ब्रिलियंट प्रोफेसर। नाउ व्हेन आई वांटेड टू एंटर इनटू IIT बॉम्बे, आई स्ट्रेट अवे पुट अ ईमेल टू वन ऑफ दोज वंडरफुल प्रोफेसर्स, एंड दोज प्रोफेसर्स ऑलरेडी न्यू मी, एंड व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंटरव्यू रूम द सिनेरियो वाज वेरी फैमिलियर टू मी, दे वर वेरी फ्रेंडली टू मी, दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस, बट इन अ नॉन वे, माने के मुझे सिर्फ एक हल्का सा एज इतना था, एज कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली सिलेक्शन दे दिया, नो बेटा, बट एक एज इतना था कि चूंकि मेरा रेफरेंस किया था मेरे गाइड ने, और मेरे गाइड थे IIT बॉम्बे के एल्यूमनाई और IIT बॉम्बे के बहुत ही एस्टीम्ड नॉन पर्सनैलिटी, वहां के रेफरेंस से मुझे इतना फायदा हुआ कि आई हैड एन एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, की जो प्रोफेसर इंटरव्यू ले रहे थे वो मुझे इतना एक्नोलेज करते थे कि हाँ ये बच्चा अच्छी जगह पढ़ के आया है। तो ऐसा रेफरेंस लेटर और ऐसा जुगाड़ आपको पहुंचा सकता है IITs में और उस जगह पे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और बेटा अगर एकेडमी CSIR में जो PhD करा रहे हैं साइंटिस्ट, एक भी साइंटिस्ट लोग ने आपके सर पे हाथ रख दिया, तो आप ये मानिए कि आपका जीवन सफल हो गया। तो आई गेस आपको क्लैरिटी थोड़ा मिला होगा कि बिना स्कोर कार्ड के और जस्ट क्वालिफाइड में आप कहां जा सकते हैं। नीटर क्या होते हैं बेटा, NIEEE TRR पूरे इंडिया में चार ही हैं बेटा, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता एंड चेन्नई, पूरे इंडिया में चार हैं। जब CFTIs की मैं बात करता हूं, आई एम रेजिंग इट, जब CFTIs की मैं बात करता हूं तो CFTIs की लिस्ट होती है, सपोज एक इंटरव्यू में लोग पहुंचे हैं IIT से, एक इंटरव्यू में लोग पहुंचे हैं NIT से, तो पहला प्रायोरिटी मिलता है IIT को, पहला प्रायोरिटी मिलता है IIT को, दूसरे प्रायोरिटी पे आते हैं NIEEE TRR, और इनके बाद आती हैं NITs। लेकिन मुद्दा यह है कि बहुत से लोग इनके बारे में जानते ही नहीं हैं, चूंकि लोग जानते नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मास्टर्स और PhD कराते हैं, तो लोग वहां पहुंच नहीं पाते। और वहां कैसे पहुंचना है जानने के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट करेंगे, जैसा मैं हर बार आपको बताता जा रहा हूं, तो वहां आप पहुंच सकते हैं प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर पैसेज से, VIT के दूसरे कैंपसेस अदर देन वेल्लोर भी आपको मिल सकता है विदाउट गेट स्कोर कार्ड, और बिट्स का भी कैंपस आपको मिल सकता है, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी हमारी कंट्री में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, इनमें कैसे पहुंचना है इनका भी जरिया है आपको बता दिया जाएगा, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, आजकल सारी वैकेंसीज खाली रहती है, यहाँ तो आप कभी भी घुस सकते हैं। सो बेटा दिस इज इट अबाउट द मार्क्स, मतलब के स्कोर आपका जो है गेट का एंड द कॉलेजेस। आई गेस आपको काफी क्लैरिटी मिला होगा।
जो भी मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था कि हायर स्टडीज आप कैसे करें या जो भी आपके डाउट्स होंगे हायर स्टडीज को लेके। अब जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिन लोगों ने गेट गारंटी ज्वाइन नहीं किया है, गेट गारंटी ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेते समय याद रखिएगा कि आप रेफरल कोड जो यूज करेंगे वो AMUS यूज करेंगे। AM का मतलब है अंकुर मलिक और US का मतलब है अन अकेडमी स्टडीज। AM का मतलब है अंकुर मलिक और US का मतलब है अन अकेडमी स्टडीज। तो आप AMUS जब लगाएंगे तो जादू होगा, और जादू क्या होगा बेटा कि 10% का ऑफ आपको मिलेगा। आपकी फी जो है वो 10% कम हो जाएगी, माने जो लोग 25,000, जो लोग 25,000 एक साल का देने वाले थे, आप अब आपको सिर्फ 22,500 देना होगा और आपको 2,500 का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज 10% ऑफ 25,000। और जो लोग 2 साल का लेंगे तो कुछ भी नहीं है बेटा, 22,500 में कितना पैसा ही आपको ऐड करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। अगर आप इसको वैसे देखते हैं तो आपकी फीस बनती है बहुत ज्यादा, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा फी बनती है, लेकिन 75% ऑफ हो जाता है अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं और आपको पर मंथ सिर्फ 1,125 रुपया देना है, जो किसी ट्यूशन की फी से भी कम है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फील फ्री टू पुट अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। चले बात करते हैं बेटा, अभी आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस ऑफ मी। अगला वीडियो रहेगा PSUs में कैसे पहुंचेंगे गेट के बाद, उस पर भी आपको मैं क्लैरिटी दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, जो भी चीज आप और जानना चाहते हैं वो मुझे बताएंगे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और बाकी नॉलेज के लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय बेटा, टेक केयर।